नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अलवर जिले के माराखेड़ा में एसीबी ने आज विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेईएन आतुर ने परिवादी को ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। आज जैसे ही जेईएन ने परिवादी से रुपए लिए, एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने उसे दबोच लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जिला न्यायालयों में राजकीय अभिभाषक के रूप में कार्यरत लोक अभियोजक तथा विशिष्ट लोक अभियोजक की मासिक रिटेनरशिप 16,800 रुपए से बढ़ाकर 20,160 रुपए करने तथा अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक की मासिक रिटेनरशिप 14,700 रुपए के स्थान पर 17,640 रुपए करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उन्हें मानदेय मासिक एम्पीरियंस फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने की भी स्वीकृति दी है। विद्युत निगम ने नागौर जिले में नींबू पानी बेचकर गुजारा करने वाले एक गरीब को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल थमा दिया। इतना भारी भरकम बिल देखकर उसके होश उड़ गए। मकराना निवासी नींबू पानी बेचकर अपना गुजारा चलाने वाले अब्दुल सत्तार के घर के लिए मात्र 1 किलोवाट बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन इस बार आए 2 माह के बिजली बिल में रीडिंग 5 मई 2021 को 18,59,783 यूनिट आई है। विद्युत निगम ने कुल बकाया 1,59,96,143 रुपए का बिल भेजकर 17 जून तक जमा करने को कह दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र सिंह और न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। उन्होंने यह आदेश सिद्धार्थ जैन की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की गुहार की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आज के जमाने में गीत संगीत सिनेमा गजल सहित मनोरंजन के साधन हो या संदेश देने का माध्यम, सभी सोशल मीडिया के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में जो पुरानी कलाएं हैं वे लुप्त होती जा रही हैं। इसी में शामिल है कठपुतली कला। कठपुतली कलाकारों को कदरदान नहीं मिल रहे हैं। एक समय था जब मनोरंजन के रूप में इस कला का उपयोग होता था। अब समय के साथ बदलाव आया तो कठपुतली कला अंधेरे में चली गई। कोरोना ने तो हालात ही खराब कर दी है। राजस्थान में आंधी व बरसात का दौर गुरुवार को भी नहीं थमेगा। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार गुरुवार को भी प्रदेश के 24 जिलों में आंधी व बरसात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के इस दौरान धूल भरी आंधी चल सकती है। विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं व गरज के साथ बरसात हो सकती है। कोरोना महामारी से प्रभावित और कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में आउटरीच अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस 30 दिनों के भीतर देश भर में 3 करोड़ और राजस्थान में 40 लाख परिवारों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। आउटरीच अभियान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों को एक सर्कुलर भी जारी किया है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीति नियुक्तियों को लेकर बड़ा बवंडर अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच कल देर रात जहां सचिन पायलट कैंप के वरिष्ठ विधायक शेखावत का बड़ा बयान सामने आया था, तो वहीं सभी की निगाहें सचिन पायलट कैंप के अगले कदम पर हैं कि आगे सचिन पायलट क्या कदम उठाने वाले हैं। कोविड-19 की महामारी के कारण महीनों से लॉक पर्यटन क्षेत्र को बुधवार को अनलॉक किया गया। पहले ही दिन बड़ी खुशखबरी मिली। सेना गांव की पहाड़ियों में एक मादा पैंथर ने कुछ दिन पूर्व नर बच्चे को जन्म दिया था। बुधवार को बच्चा पहली बार पहाड़ी पर खुले में मां के साथ अटखेलियां करता नजर आया। स्थानीय ग्रामीणों ने मादा पैंथर का नामकरण जीवदा फीमेल रखा है। पैंथर कुनबा बढ़ने से ग्रामीणों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में खुशी छा गई। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के बाद बढ़ती गई लापरवाही के कारण दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। इससे भी राज्य के जिम्मेदार सबक लेने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। वहीं आने वाले दिनों में सामाजिक समारोह, विवाह व अन्य धार्मिक आयोजनों में छूट की भी संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक के ट्रेंड के मुताबिक तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर माह तक आ सकती है। इस तरह अनलॉक और उसके बाद भीड़ नजर आ रही है, उससे यह और भी जल्दी आ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।
एसपीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।